तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये कोलीमैक्स सस्पेंशन के बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगा इस वीडियो के अंदर कि ये कोलीमैक्स सस्पेंशन क्या है और इसे कौन कौन सी कंडीशन के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा भी दोस्तों ये किस तरह काम करता है ये भी बात करेंगे, और उसका डोजेस क्या है या फिर इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो पूरी जानकारी मिलेगा इस वीडियो के अंदर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये कोलीमैक्स सस्पेंशन के अंदर जो कॉम्पोजिशन यानी जो प्रिपरेशन इसके अंदर दिया गया है वो है डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर 10 mg और सिमिटिकॉन इसके अंदर 40 mg दिया गया है। प्राइस के बारे में बात करें तो करीब ये 50 rupees पर आप किसी भी मेडिकल स्टोर से भी आसानी से परचेस कर सकते हैं। और अब सीधे मुद्दे पर बात करते हैं कि ये कोलीमैक्स सस्पेंशन जो है ये कौन सी कंडीशन के लिए बच्चों को दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों बेसिकली ये कोलीमैक्स सस्पेंशन जो है ये बच्चों के पेट की दर्द के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे कारणों की वजह से अक्सर छोटे बच्चों को पेट में दर्द होता है, जैसे कि इनडाइजेशन की वजह से यानी बद हजमे की वजह से। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी बच्चों को ज़्यादा ऑयली या फिर स्पाइसी फूड या फिर खाना खाने की वजह से ये इनडाइजेशन यानी बद हजमे की समस्या हो सकता है। उसके अलावा भी गैस के कारण भी पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो सकता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन के कारण भी बच्चों को पेट में दर्द हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर छोटे बच्चे पानी बहुत ही कम पीते हैं जिसके कारण उनकी पोटी बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जिसके कारण पेट में दर्द हो सकता है। उसके अलावा भी इन्फेक्शन की वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है, और उसके अलावा भी फूड एलर्जी या फिर इंटॉलरेंस की वजह से भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी बच्चों को फूड एलर्जी या फिर इंटॉलरेंस हो सकता है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स से लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या हो सकती है, जिसके कारण पेट में दर्द हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी कारणों की वजह से जो है दोस्तों पेट में दर्द होता है, उस परिस्थिति के लिए यानी उस केसेस में आप कोलीमैक्स सस्पेंशन आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा भी दोस्तों इसके अंदर सिमिटिकॉन भी दिया गया है, जो कि पेट में अंदर जो गैस बनता है और गैस की वजह से जो पेट में ब्लोटिंग होता है या फिर जो बुलबुले बनते हैं उसे भी कम करने का काम करता है ये सिमिटिकॉन। ठीक है, तो दोस्तों बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो दोस्तों ये बच्चों को देने की वजह से ऐसा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी दोस्तों ये बच्चों को कुछ हद तक कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि बच्चों की मुंह में ड्राइनेस पैदा कर सकता है, या फिर उनको डिजीनेस और ड्रोजीनेस भी हो सकता है, या फिर कभी कभी मतली वाली उल्टी भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों डोजेस के बारे में बात करें तो दोस्तों ये 5 साल से ऊपर बच्चों को आप एक समझ के हिसाब से दिन में 2 बार या फिर आप ज़रूरत के मुताबिक ही इसे देना चाहिए। ज़रूरत के मुताबिक देने का मतलब होता है कि जब भी बच्चों के पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है तभी ये आपको देना होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये कोलीमैक्स सस्पेंशन के रिगार्डिंग बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो नीचे कमेंट करिए, उसके रिगार्डिंग पूरी हेल्प की जाएगी आप सभी को। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।